और भाई लोगों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं एक इमरजेंसी लाइट, कुछ इस तरीके से। इस इमरजेंसी लाइट की एक ख़ास बात है कि इससे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। तो और इस इमरजेंसी लाइट की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो चलो मैं आपको एक फ़ोन चार्ज करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं डाटा केबल इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने डाटा केबल कनेक्ट कर लिए। अब मैं इसे फ़ोन कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसके इंडिकेटर्स चल चुके हैं और ये फ़ोन भी चार्ज होने लगा है। अभी फ़ोन में 12% बैटरी है। देखिए, इस तरीके से इसके इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं। और चलिए इसकी मेकिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहले चाहिए होंगे हमें इस तरीके का पीवीसी पाइप, कुछ इस तरीके का। अब इसे हमें कट करके कुछ इस तरीके का बॉडी बना लेना है, इस तरीके का मॉडल बना लेना है इसका ऊपर का, ताकि इसमें हम बाद में फ़िटिंग कर सकें अच्छे से। और अब हमें इसमें फ़िट कर लेना है एक इस तरीके का डीसी जैक 5 वोल्ट का, और एक स्विच कुछ इस तरीके से। और अब हमें चाहिए होगा फीमेल यूएसबी जैक कुछ इस तरीके से, कुछ इस टाइप का फीमेल यूएसबी जैक लगेगा। और अब हमें इसे इस तरीके से पीसीबी पे सोल्ड कर लेना है एक दूसरे से पैरेलली, प्लस का प्लस में माइनस का माइनस। और अब हमें चाहिए होगा इस तरीके का पुराना पावर बैंक मॉड्यूल। मैंने इसके जैक्स निकाल लिए हैं क्योंकि उस पर जंग लग चुकी थी। तो अब बारी है इसके कनेक्शंस की, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है, यानी इसका लेफ़्ट साइड जो है वो नेगेटिव है और राइट साइड पॉजिटिव है। तो सब में एक जैसा ही है इसमें। इधर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सब जगह ऐसी है, यानी लेफ़्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो मैं इस इमरजेंसी लाइट को चार्जिंग करने के लिए इसमें इनपुट के लिए कनेक्शन दे दूंगा, जहाँ से चार्जर लगा के इसे इनपुट दे के चार्ज कर सकें। तो ये चार्जिंग के कनेक्शन मैंने ट्रैकिंग करके निकाले। अगर आपको ट्रैकिंग नहीं आती तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल का चार्जर इसे इनपुट देना है और इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करना है ग्राउंड पर रख के। जहाँ पर भी आपको +5 वोल्ट मिले वहाँ से आपको इनपुट के कनेक्शन दे देने हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। तो चलिए मैं इसे इनपुट कनेक्शन दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये कनेक्शन भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसके आउटपुट के लिए वायर निकालूंगा जिससे मैं चार्जिंग लूँगा। तो जैसा कि साइड में मैंने डायग्राम दिखा रखा है, कुछ आपको इस तरीके से यूएसबी जैक के कनेक्शन करने हैं, इससे आउटपुट आपको लेना है। इसको आपको बस ग्राउंड में और वीसीसी में कनेक्शन करना है। ये मैं ग्रे वायर जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और जो ये चॉकलेटी वायर है मैं +5 वोल्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इधर से हम आउटपुट हम लेंगे जिससे हम फ़ोन चार्ज कर सकें। तो देखिए, मैंने इसके इनपुट के लिए ये वायर यूज़ करें, ये रेड वाला पॉजिटिव है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव है। इससे हम इनपुट देंगे इसे चार्जिंग के लिए। और जो बाकी ये वायर हैं, ये जो है चॉकलेटी वाला, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जो दूसरा वायर है ग्रे कलर का, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको भी कुछ इस तरीके से कनेक्शन करने हैं। अब हम कनेक्शन करेंगे इसके इंडिकेटर का, जिससे हमें पता चले कि एलईडी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही और कितने परसेंट चार्ज है। तो हम इसके ऐसे कनेक्शन लेंगे कि एलईडी नंबर 1st और 4th का हम यूज़ करेंगे, बाकी 2 और 3 एलईडी का हमें यूज़ नहीं करना है, जिससे हमें इंडिकेशन हो जाए कि हाँ बैटरी चार्ज हो रही है कि और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर 1st नंबर एलईडी नहीं जलेगा तो इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज है और लास्ट का एलईडी जलता रहेगा। अगर दोनों एलईडी ब्लिंक करना बंद कर जाएं पावर बैंक का यूज़ करते टाइम, तो इसका मतलब पावर बैंक डिस्चार्ज हो चुका है। तो एलईडी के पॉजिटिव के कनेक्शन के लिए मैं ये ब्राउन वायर यानी चॉकलेटी वायर यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने इसकी ट्रैकिंग ऐसे करी है, मैंने इसे इनपुट देके
मैंने इससे बड़े वाले जो 5 mm के LED हैं वो कनेक्ट करके देखे थे, दोनों तरफ से, प्लस का प्लस से, माइनस से माइनस, अगर एक तरफ से ब्लिंक नहीं करे तो मैंने दूसरी तरफ से कनेक्ट करके देखे थे, जिस तरफ से ब्लिंक कर जाए उस हिसाब से आपको कनेक्शन कर देने हैं। तो मैंने इस तरीके से कुछ इसकी ट्रैकिंग करी थी, तो मैं अब जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने ये LEDs कनेक्ट कर लिए हैं, ये ग्रीन वाला 4th नंबर LED से और ये रेड वाला 1st नंबर LED से। कुछ इस तरीके से आपको भी कनेक्शन कर लेने हैं। तो अब चाहिएगी इस तरीके की एक लिथियम आयन बैटरी, तो इसको हमें आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने ये कनेक्शन पूरे कर लिए हैं। तो देखिए ये माइनस को मैंने माइनस से और इस माइनस को इस माइनस से कनेक्ट करा हुआ है, ऐसे ही इस पॉजिटिव को इस वाले पॉजिटिव से और इस पॉजिटिव को इससे पॉजिटिव से कनेक्ट करा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ऐसे हम बॉडी के अंदर फिट करेंगे जो हमने बनाई है। तो देखिए मैंने इस बैटरी इसको इस बॉडी के अंदर फिट कर लिया है। तो अब हम फिट करेंगे इसमें इस सर्किट को, इस पावर बैंक सर्किट को। तो चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी इसे फिट कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं बैटरी का कनेक्शन पूरा हो चुका है। तो अब बारी है इस सर्किट के, इसके USB के आउटपुट के लिए कनेक्शन की। तो मैं इसका भी कनेक्शन कर लेता हूँ जो मैंने आउटपुट के लिए कनेक्शन निकाला था पावर बैंक से। तो इसे भी मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके कनेक्शन पूरे कर लिए हैं। अब मैं कनेक्शन करूँगा बैटरीज का। तो ये पॉजिटिव का वायर है, तो मैं इसे सर्किट बोर्ड के भी पॉजिटिव में कनेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। तो अब मैं इसको बी नेगेटिव में कनेक्ट करूँगा, यानी बैटरी के नेगेटिव को सर्किट बोर्ड के बी नेगेटिव में कनेक्ट कर दूँगा। तो मैं इसे भी कर लेता हूँ। भाइयों अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो अब मैं इसके इनपुट के भी कनेक्शन कर लेता हूँ। मैंने इसके नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव दे दिया है कनेक्शन इनपुट में। अब बारी है LED पैनल के कनेक्शन की, जिसे हम स्विच से होते हुए करेंगे ताकि हम स्विच से उसे ऑन ऑफ कर सकें। तो चलिए इसे भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने बैटरी के इनपुट का वायर स्विच से कनेक्ट करा हुआ है और ये आउटपुट का मैंने कनेक्ट कर दिया। मैं नेगेटिव का डायरेक्टली LED पैनल को दे दूँगा क्योंकि ग्राउंड सेम होता है। तो हर सर्किट में ग्राउंड सेम नहीं रहता, हर किसी सर्किट में अलग अलग रहता है, लेकिन मोस्टली सर्किट्स में ग्राउंड कॉमन रहता है। इस सर्किट में ग्राउंड कॉमन है। तो चलिए मैं इसके भी कनेक्शन कर लेता हूँ, उसकी फिटिंग भी अच्छे से कर लेता हूँ। बस इसके थोड़ा बहुत कनेक्शन रह गया, बस लगभग कंप्लीट सा हो गया ये। तो देखिए इस LEDs को मैं बाहर इंडिकेशन के लिए निकाल लूँगा कि बता चले कि बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही। और जब भी हम इससे आउटपुट लेंगे तो भी ये LED ब्लिंक करेंगी। तो देखिए मैंने ये सब कुछ अच्छे से फिट कर लिया है। तो अब मैं इसमें भर देता हूँ ग्लू, जिससे ये कनेक्शन इधर उधर हिले नहीं और हिल के टूटे नहीं और या LED इधर उधर ना भागे, इसलिए इसमें ग्लू भरना ज़रूरी है। तो इसके लगभग सारे कनेक्शन हो गए हैं। तो अब इसे पैक कर लेते हैं अच्छे से नटों से। तो मैंने ये जो बॉडी बनाई थी कुछ इस तरीके से बनाई थी ताकि इसे हम ओपन और क्लोज़ कर सकें, ताकि कुछ कभी ख़राबी हो तो हम उसे ठीक कर सकें। तो चलिए मैं इसे नटों से भी कस देता हूँ अच्छे से। तो मैं इसे सारे नट जल्दी जल्दी कस लेता हूँ। तो अब हमें ज़रूरत है इस तरीके की LED स्ट्रिप की। ये मैंने खुद से बनाई हुई है, ये आप रेडीमेड भी ला सकते हैं। अगर ये आपको बनाना सीखनी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो इस LED स्ट्रिप पे डाल दूँगा कि इसे कैसे घर पे बना सकते हैं आप। तो ये देखिए इसकी ब्राइटनेस कुछ इस तरीके से है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है ये। ये 3.7 वोल्ट पर चलने वाली LED स्ट्रिप है। तो चलिए इसे मैं डबल टेप से चिपका लेता हूँ, पर आप इसे डबल टेप से ना चिपकाएं, इसमें अच्छे तरीके से नट या कोई ऐसी चीज़ से चिपकाएं जिससे ये निकले ना, जैसे एल लाइट हो गया या MCL हो गया या पेच से कसते हैं किसी,
क्योंकि अगर आप डबल टेप से लगाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि ये बार बार बाहर की तरफ निकलेंगे LEDs हीट होके। तो चलिए इसके भी कनेक्शन मैं कर लेता हूँ, पॉजिटिव का पॉजिटिव से और नेगेटिव का नेगेटिव से, कुछ इस तरीके से फटाफट से मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखिए कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ये इस तरीके की, ये फिल्म सीट है जो मोटर वाइंडिंग में यूज़ होती है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से इस पर फिक्स करूँगा और बाद में इसमें एल्फी या ग्लू गन से इसे फिट कर लूँगा ताकि निकले ना और अच्छे से चिपक जाए। तो इसकी मैं साइड की दीवारें भी मैं लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इसे भी मैं एलपी से चिपका दूँगा। इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे मैं परचेस करके लाया हूँ। तो देखिए ये लाइट बन के कम्प्लीट हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू के शॉर्ट्स में दिखाया था, शुरू की वीडियो में दिखाया था। तो इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट रोशनी है इसकी। एक ये एलईडी से भी काफ़ी गुना ज़्यादा 60 वाट के एलईडी के बराबर की इसकी रोशनी है। जो 60 वाट का एलईडी आता है उसके बराबर की रोशनी है इसकी। और मैंने आपको स्टार्टिंग फ़ोन भी चार्ज करके दिखा दिया था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।